हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी जो है प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जाते हो तो इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर लिख के आ रहा है कांट इंस्टॉल। दोस्तों, आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी गेम्स डाउनलोड कर रहे हो तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कांट इंस्टॉल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या सेटिंग करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको एक या दो सेटिंग बताने वाला हूँ, जो आप अपने मोबाइल में करते हैं ना तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कांट इंस्टॉल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में कौन कौन से सेटिंग अप्लाई करनी है वो यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ओपन कीजिए। ओपन नहीं करना है आपको, प्ले स्टोर के ऊपर आपको लॉन्ग टाइम आपको दबा कर मतलब लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखना है प्ले स्टोर के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, प्ले स्टोर मिलता है इसके ऊपर मैं लॉन्ग टाइम दबा के रखता हूँ। इसके बाद में आई वाला ऑप्शन मिल जाएगा या फिर ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं आई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आई बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कीजिए, फॉरेस्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके फॉरेस्ट स्टॉप कर देना है। दोस्तों, ये वाला ऑप्शन कहीं भी मिल सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ओके मार देंगे। इतना करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे, यानी यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढेंगे स्टोरेज वाला। ओके, तो स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना। आगे और भी सेटिंग बताता हूँ, देखते रहिए। तो आप क्या करेंगे, स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद में सबसे पहले क्लियर कैच कीजिए। यहाँ पर आपको क्लियर कैच मिल जाता है, इसके बाद मिल जाता है क्लियर स्टोरेज, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं क्लियर स्टोरेज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लियर डेटा का ऑप्शन मिले तो इसके ऊपर क्लिक करके दोनों ही कर देना। इतना करने के बाद में अब आपको बैक आना है। तो हमारा सेटिंग हो चुका है। सेटिंग हो जाने के बाद में प्ले स्टोर ओपन नहीं करना है। अपने डिवाइस में यहाँ पर एरोप्लेन मोड मिलेगा, तो इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लगा के रखिए। लगाने के बाद में यहाँ पर इसको हटाइए। ओके, और हटाने के बाद में गाइस, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन इससे पहले नेटवर्क है वो यहाँ पर सही से आ जाने देंगे ताकि आपका अच्छे से वर्क करने लग जाए। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर वो यहाँ पर ओपन करता हूँ। एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर देखिए। तो चलो गाइस, यहाँ पर प्ले स्टोर वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। दोस्तों, मेरा जल्दी नहीं ओपन हो रहा क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसके बाद में गाइस, यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी ऐप्स या कोई भी गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं कोई भी ऐप्स या गेम्स डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मेरा डाउनलोड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो आपको दिखा देते हैं। एंड गाइस, आपको बताना चाहता हूँ, हो सके तो आप अपने मोबाइल में स्टोरेज वो यहाँ पर खाली रखिए, थोड़ी से तो खाली रखिए। तो यही मेरे को बताना था, स्टोरेज खाली होती है तो आपका मोबाइल में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह भी तो खाली करना ही पड़ेगा। ऐप्स मतलब ऐप्स डिलीट कर सकते हैं, जो काम की नहीं है वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर फोटोज वीडियो जो काम के नहीं है वो भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टोरेज है वो यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड है वो यहाँ पर हो रहा है एंड पूरा डाउनलोड भी हो जाएगा। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप सेटिंग वगैरह करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता चल गया है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।